नमस्कार, मैं हूं डीजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज पर। दक्षिण एशियाई से लेकर प्रशांत महासागर तक अपनी आक्रामक गतिविधियों के चलते परेशानी का सबब बन चुके चीन से निपटने के तरीके ढूंढने में क्वाड देश लगे हैं। चारों देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के सीनियर अधिकारियों ने शुक्रवार को बैठक की और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की फ्री और ओपन बनाने के लिए कदम उठाने पर चर्चा की। इसके अलावा कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। गौरतलब है कि अगले महीने चारों देशों के विदेश मंत्री टोक्यो में मिल सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित इस बैठक में कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, साइबर मैरिटाइम सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और संपन्नता पर चर्चा की गई। अमेरिका ने बयान जारी कर बताया, चारों लोकतांत्रिक देशों ने इस बात की चर्चा की कि कैसे कोरोना वायरस की महामारी से साथ मिलकर लड़ा जा सकता है, पारदर्शिता को प्रमोट कर गलत जानकारी को खत्म किया जा सकता है और क्षेत्र की नियम व्यवस्था की रक्षा की जा सकती है। बिना चीन का नाम लिए अमेरिका ने डिजिटल कनेक्टिविटी और सिक्योर नेटवर्क की अहमियत बताई और इस पर भी चर्चा की कि विश्वास पात्र वेंडर्स, खासकर पांचवी जनरेशन नेटवर्क को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। गौरतलब है कि चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवी पर अमेरिका में चीनी सरकार के लिए जासूसी का आरोप लगाकर उसे अमेरिका में बैन कर दिया गया था। अधिकारियों ने दक्षिण चीन सागर के मेकोंग सब रीजन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून, क्षेत्रीय स्थिरता और महामारी के बाद रिकवरी के लिए साथ काम करने के तरीकों पर भी चर्चा की। इससे पहले अमेरिका के एक अधिकारी ने साफ किया था कि क्वाड का उद्देश्य सिर्फ चीन से मिल रही चुनौतियों से निपटना नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करना है। इसलिए क्वाड में दूसरे देशों को शामिल करने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।